तारीखों जी वाला जो तकरार दिख रही है, थोड़ी सी जो तासीर गर्माई है दोपहर के बाद से, कुछ नफा नुकसान किधर का देख रहे हैं? बीजेपी को अगर टाइम मिल गया तो उनका फायदा हो जाएगा, या अखिलेश यादव इसको अगर मुद्दा बना गए तो मामला उनके पक्ष में भी जा सकता है? नहीं, देखिए इसमें तो जो पैसे वाली पार्टी होती है उसको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। मैं पिछले 18 साल से इलेक्शन मैनेजमेंट करवा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, मैं इंस्टीट्यूट चलाता हूँ। जितना चुनाव लंबा होगा, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा उसको लाभ होगा। और हम सब जानते हैं, पैनल में भी मेरी इस बात से सब सहमत होंगे, सबसे ज्यादा पैसा इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास है। उनका मैकेनिज्म, उनकी मशीनरी बहुत स्ट्रांग है, तो अल्टीमेटली बेनिफिट तो उनको ही होगा। और इसलिए इंडिया गठबंधन वाले या समाजवादी वाले लोग परेशान हैं। लेकिन अभी जो ग्राउंड पर आज तक की स्थिति है उसमें मैं बता सकता हूँ, 3 सीटें समाजवादी पार्टी बिल्कुल क्लियरली निकाल रही है। मैंने पहले भी कहा था, आप ही के शो पर कहा था, TV9 पर ही, कि 3 सीटें समाजवादी की फेवर में जा रही हैं, 1 सीट बीजेपी की फेवर में जा रही है, और बाकी सीटों पर फाइट है, और वो किधर भी जा सकता है चुनाव। तो शायद भारतीय जनता पार्टी का भी इंटरनल सर्वे में ये बात आ गई होगी, और इसलिए उन्होंने चुनाव को आगे बढ़ाने की कोशिश की। और 1 सप्ताह का समय बहुत बड़ा समय होता है। हम लोग तो समझते हैं कि एक एक दो दो दिन का समय भी चुनाव में जो होता है वो अग्नि परीक्षा होती है, और चुनाव इधर से उधर हो तीन जाता है, तो तीन 7 दिन सीट कौन का सी समय जिता रहे मिल हैं शाहनवाज जी जाए। आप? मैंने पहले बताया था, पुष्कर चौहान जी के साथ मेरा डिस्कशन जी था, मैं फिर बताता हूँ। मैं भी सोच रहा हूँ। हाँ करहल में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और सीसामऊ और कुंदर की, ये 3 सीटें समाजवादी की तरफ आज की डेट तक भी जाती दिख रही है, गाजियाबाद बीजेपी की तरफ जा रही है, और बाकी सीटों पर फाइट है। बाकी सीटें मतलब मार्जिन पर है, अभी कहना मुश्किल होगा कि किधर जाएगी, लेकिन ये कंफर्म है कि आज की डेट में 3-1 की स्थिति बन रही है। मेरे हिसाब से तो आप खैर और भी जोड़ लीजिए, और बाकी तो फिर भारतीय जनता पार्टी जो नहीं, अभी 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 मैंने कहा ना कि बाकी के लिए, अभी क्योंकि मैं इंस्टीट्यूशन में काम करता हूँ, प्रोफेशनल काम करता हूँ, तो जब तक तो मेरे पास आंकड़े नहीं आ जाते मैं उसके बारे में खुद हाँ, खुल के नहीं हालांकि कह खैर सकता। अभी से कहना लेकिन तो वो भविष्यवाणी होगी। अब बीजेपी तो आज मैंने कुंदन की तभी और कहा सीसामऊ। राजीव भाई, आज की स्थिति में, और एक और चीज ऐड ऑन करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्ट्रेटेजिकली अगर ये डेट बढ़वाई है तो बहुत स्ट्रेटेजिकली बढ़वाई है, और इसका बेनिफिट उन्हें हो सकता है, क्योंकि उनकी मशीनरी, उनका मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग रहता है, बूथ पर काम करने वाले लोग बहुत एग्रेसिवली काम भी कर रहे हैं। पहली बार ऐसा दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी टक्कर देती नजर आ रही है, लगभग सभी सीटों पर बहुत एग्रेसिवली उनके लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन अगर समय ज्यादा मिल जाएगा तो शायद समाजवादी पार्टी पिछड़ सकती है, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत मत है। गौरव भी समय मिल जाएगा तो तैयारियों का समय ज्यादा हो जाना चाहिए, उसमें परेशानी क्या है? हाँ जी, अगर समय थोड़ा और मिल जाएगा आपको 1 सप्ताह प्रचार का तो उसमें तो फायदा ही होना चाहिए, उसमें परेशानी क्या है? नहीं, हमारा तो आज भी फायदा फायदा है। हम तो आज की बिल्कुल लड़ाई के लिए तैयार बैठे हैं और जीतने हाँ के अग्रसर आगे बैठे हुए हैं, लेकिन फायदा भारतीय जनता पार्टी अपना सोच रही कि शासन प्रशासन का कैसे दुरुपयोग करें, कैसे मशीनरी का दुरुपयोग ये तो करें, खैर हर सरकार कैसे का आरोप वहां पे लगते हैं। बूथ पे हाँ बंदे बिठाएं। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटजी के तहत हुआ है। कोई बात नहीं, जनता जनार्दन पे हमें विश्वास है और हमें अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास है, हमें अपने नेताओं पे विश्वास है। बूथ पे जो लड़ाई होगी उस पे हमें विश्वास है कि हमारे नेता कार्यकर्ता भी कंधे से कंधा मिला के अच्छे से चुनाव लड़वाएंगे, अच्छे निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराने का कार्य करेंगे। आप लोग मशीनरी और तमाम सारी चीजों पे जो एकदम सवाल उठा देते हैं, 2 बार योगी जी जीते, वो केवल मशीनरी के उससे थोड़ी ना जीते अरे होंगे। चंडीगढ़ में देखा नहीं आपने क्या हुआ, कैसे पकड़े गए मैं उत्तर ये? प्रदेश की बात कर रहा हूं। अरे सर, केंद्र में सरकार किसकी है? केंद्र अब ऐसे तो एक बार कोई में सरकार में सरकार आएगा। किसकी है? तो ये राघवेंद्र शासन जी, प्रशासन। अच्छा राघवेंद्र ठीक जी, है, अगर तारीखों इतना ही वाला बदलना मसला हो थोड़ा तो यादव परेशानी। मुसलमान नेता और यादव और मुसलमान पदाधिकारियों की पोस्टिंग क्यों हटा रहे हैं हम आपसे? उपचुनाव जहां हो रहा है वहां से इतना डर क्यों है? BLO क्यों चेंज कर दिए जाते हैं बताओ? अपने अधिकारियों पर इनको विश्वास नहीं है? अपने अधिकारियों भी कटोबटो कर दिया इन्होंने। अरे वो तो संविधान की शपथ लेके, लोकतंत्र में जब वो आए हैं संविधान की शपथ के तहत आए हैं कि निष्पक्ष तरीके से वो हर एक चीज अपनी ड्यूटी निभाएंगे, उस पे भी आपको शक हो गया? तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा ठीक नहीं है। ये गलत, ये चाह रहे हैं कि इनके हक में मतदान हो, जो एक्चुअल पोल है, जो जनता मतदान करेगी वो रिजल्ट ना आए। अच्छा, 9 में से कितनी सीट लेकिन जीत रही है उत्तर समाजवादी प्रदेश की पार्टी? जनता, हम 9 की 9 सीटें जीत रहे हैं जी, बहुत शानदार, जश्न की तैयारी है पूरी। बहुत सही है। राघवेंद्र जी, तारीखों देखिए वाला मसला थोड़ी परेशानी देगा या तैयारियां बहुत अच्छे से हो जाएंगी आपके लिए, तमाम चीजों से हटके? तमाम हम आरोप तो आप पे लग ही रहे हैं। आरोप लगने दीजिए, ऐसे तो आरोप लगते रहते हैं। जी हमें तो उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता पर पूरा विश्वास है और हाँ हमको लगातार जन समर्थन मिलता रहा है। अभी हमारे गौरव भाई ने हमारे प्रश्न सामने एक प्रश्न उछाला था, 5 विषय बताइए कानपुर के। चलिए मैं पांच पूछना काम चाहता हूँ गौरव जी से, उत्तर प्रदेश के 2017 में बेरोजगारी दर क्या थी? उत्तर प्रदेश में आज पिछली कितना है गणना में एक्चुअल में? 2017 में उत्तर प्रदेश अव्वल था।
कितने मेडिकल कॉलेज थे, कितने नंबर वन उत्तर प्रदेश, कितने महिला अपराध में नंबर वन उत्तर प्रदेश, बताइए, दाएं बाएं मत जाइए, हम मैं बताना चाहता हूं आंकड़े, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश नंबर वन, मेरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश नंबर वन, राजीव जी कौन सा नया जी आपने बना दिया। अच्छा गौरव जी सुन लीजिए, जो आपने सवाल पूछा था बता रहे हैं, मैं बताने जा रहा हूं ज्ञानवर्धन के लिए, आपके लिए बताने जा रहा हूं। जी जी बताइए। 2017 में उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर 17.5% थी और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर 3.5% है, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार ने काम किया होगा। 2017 में एक भी केंद्रीय योजनाओं में उत्तर प्रदेश अव्वल नहीं था, आज की तारीख में 46 योजनाओं में उत्तर प्रदेश अव्वल है। कहां से आंकड़े ले आए जनता को भ्रमित करने के लिए, आज के ग्राउंड लेवल पे देखिए धरातल पे क्या स्थिति है। अधूरा एक्सप्रेस वे बनाया था वो भी घपले घोटाले की डकैती डकैती अपराध कितना बड़ा हुआ है। आज की डेट में महिला अपना स्वास्थ्य मतलब मंगल सूत्र पहन के मैंने तो अपने जीवन में पहली बार देखा कब छिन जाए सर्किल रेट बढ़ाना, ऐसे चोर डकैत घूम रहे हैं सड़क पे, आज की तारीख कानून का कोई डर नहीं है। उत्तर प्रदेश में है कौन सा एक्सप्रेस वे आपने नया बना दिया, कौन सी मेट्रो ने चलवा दी आज की तारीख, कितने लोगों को लैपटॉप बनवा दिया, मेट्रो चलाया था आज की तारीख में, 5 किलो में मेट्रो चल रहा है, 50 लाख से अधिक गरीबों को आवास मिला चुके हैं, उत्तर प्रदेश 2 करोड़ से ज्यादा बेरोजगारी पहुंचा चुके हैं, 7 करोड़ का चुके हैं, अस्पतालों की हालत देख लीजिए ना, डॉक्टर ना स्ट्रेचर ना सफाई है, एक पैरासिटामोल जैसी गोली तक उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, सिर्फ कटौती की राजनीति करके तुष्टिकरण की राजनीति करके जनता को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं आप लोग, जनता मन बना चुकी, जनता पहचान चुकी है, आप लोगों की नकारात्मक राजनीति का जो धुआं है वो फड़फड़ा के पुजने वाला है, वो पुजने वाला फड़फड़ा के उपचुनाव में देख लीजिएगा और आने वाले 27 चुनाव में देख लीजिएगा, जनता ने टाटा बाय बाय आपको कह दिया है, अब जाइए आगे जाके 10-15 साल बाद की तैयारी करिए, विकास की राजनीति करेंगे तो जनता आपको एक्सेप्ट करेगी, कैसी विडंबना है आपके मुख्यमंत्री जी के पास भी विकास कार्य नहीं है, दूसरे प्रदेशों में जाके कटौती की राजनीति कर रहे हैं, ऐसा नारा दे रहे हैं, क्या योगी मॉडल लेकर जा रहे हैं कटौती का, काम आपने किया होता तो आप योगी मॉडल बनाते, आप लोगों को जाके बताते उत्तर प्रदेश में क्या किया, आज उत्तर प्रदेश को आपने बर्बाद कर दिया, बर्बाद, जनता एक एक दिन काटने को दुखी हो चुकी, जनता सोच रही कब चुनाव आए और आपको टाटा बाय बाय करें, उत्तर प्रदेश को आपने बिल्कुल बर्बाद कर दिया है, गुजरात में 7वीं बार सरकार बनी है, नकारात्मक राजनीति करके आपने बिल्कुल बर्बाद कर दिया है, आपके दिन गए, आपने हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान इंडिया पाकिस्तान बस और कोई आपका सरकार भी नहीं रहा, आपसी भाईचारा और सौहार्द को खत्म करने का भाईचारा को बनाने का काम नहीं किया, आपसी भाईचारा को कहीं ना कहीं खत्म करने का काम किया है, जनता पहचान चुकी, मन बना चुकी, चुनाव में देख लीजिएगा, जनता आपको इतनी बुरी तरह से हराएगी कि आप 2027 के चुनाव में कैंडिडेट नहीं मिलेगा, आपको 27 ढूंढा नहीं मिलेगा, हमारे साथ लड़ना नहीं चाहेगा, आपके लोग आपके लोग कहते हैं कि करप्शन नंबर वन पे हो गई है, आपके नेताओं का बयान है करप्शन नंबर वन पे हो गई है, थाने आप लोगों ने बिल्कुल चला रहे, खुद ही बैठ के थाने चलाए जा रहे हो, नेता आपके पिट रहे हैं, आखिर क्या है ये, करप्शन नहीं है तो क्या है, कहीं ना कहीं ये फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है, योगी जी सरकार नहीं चला पा रहे, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, जरा मैं अपने दोनों मेहमानों से और गौरव जी के ज्ञान की जरूरत थी, योगी जी का इस्तीफा देना चाहिए इनको, और ये जिनकी दोस्त विधायक है उत्तर प्रदेश में उनको सरकार दे देनी चाहिए, अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, जिस प्रकार से वायनाड से चुनाव लड़ने गए थे, इनके नेता बगल में चुनाव हार गए, जिनकी साझेदार पार्टी कांग्रेस थी, कांग्रेस के मित्रों ने तो बैठना भी छोड़ दिया गया है, अपनी सीटों पे हार रहे हैं भाई, अरे हारे तो प्रधानमंत्री जी भी हैं, प्रधानमंत्री जैसा चेहरा सिर्फ 1.5 लाख वोट करके 7 बार सरकार बनी, आप देखिए कितने 3 लाख वोट पीछे आगे प्रधानमंत्री जी, सिर्फ आप लोगों की नकारात्मक राजनीति की वजह से, आप ठीक है मैं दोबारा आरंभ लड़िए मत नारे आप सुन ही रहे होंगे लगातार, योगी जी से चला, योगी जी के बाद समाजवादी पार्टी तो कई सारे क्रिएटिव हो चुके हैं वहां पे, जीतेंगे जुटेंगे या पीडीए नहीं बटेगा, शिवपाल यादव जी तो और आगे चले गए थे कि जो बटेगा बटेगे की बात करेगा बाद में पिटेगा, अब मायावती भी आ गए और चंद्रशेखर भी आ गए, दो नारे अगर हम वर्सेस वाले देखें, बटेंगे कटेंगे वर्सेस, जुटेंगे जीतेंगे, या ये बाकी लोग जो जुड़ रहे हैं जिसमें कि बसपा के साथ रहेंगे सुरक्षित रहेंगे आगे बढ़ेंगे,
इफेक्टिव देख रहे हैं? जनता के मन को कोई भा सकता है? ऐसा लग रहा है कि एकदम चढ़ जाएगा इस उपचुनाव की जुबान पे। फिलहाल योगी जी वाला तो नंबर वन चल रहा है मेरे। देखिए अभी नारों की बात मैं करूंगा, उससे पहले मैं एक चीज ऐड करना चाहता था। गौरव भाई ने बात सही बोली है कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी को इसको स्वीकार करना पड़ेगा। हम लोग भी जब ग्राउंड पर काम कर रहे हैं तो जिन कारणों से लोकसभा चुनाव में नतीजे बीजेपी के खिलाफ आए हैं वो कारण अभी समाप्त नहीं हुए हैं। उन कारणों को समाप्त करने के लिए कोई ठोस प्रयास भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं किया जा रहा है, ये साफ नजर आ रहा है। रही बात आपके नारों की, तो मैंने तो पहले भी आपके शो में कहा था कि ये जो बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा पीडीए वालों के फेवर में जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम समाज इस नारे को समझ रहा है। वो कह रहा है भाई बटेंगे तो कटेंगे, जो दलित है वो कह रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। तो मुझे लग रहा है ये तो मतलब दिया तो नारा बीजेपी ने अपने लिए था, लेकिन शायद इसका इम्पैक्ट दूसरी साइड भी हो रहा है। और अभी जो पॉजिटिव नारा दिया गया अखिलेश यादव जी के द्वारा, वो एक पॉजिटिव राजनीति का संकेत भी, और मुझे लग रहा है वो भी मतलब बराबरी की टक्कर का नारा होगा। जो थोड़ा बहुत ऐच मिल भी रहा है योगी आदित्यनाथ जी के नारे को, वो अपना नुकसान खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे कम्युनिटी के लोग या दूसरे वोटर भी इस नारे को समझ पा रहे हैं कि हमें भी बटना नहीं है। मतलब बाकी इधर बीजेपी की तरफ कंसोलिडेशन तो हो ही रहा है वोटर्स का, समाजवादी का जो कोर वोटर है वो भी कंसोलिडेट हो रहा है और ज्यादा तेजी से हो रहा है। जैसे मैंने अभी कुंदरकी की आपको बात की, वहां पर जब मैं मुस्लिम समाज से मिला, लोगों से बात की, तो उन्होंने उसी नारे का एग्जांपल दिया कि भाई अब तो योगी जी भी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, तो चाहे 10 उम्मीदवार आए 5 उम्मीदवार आए, हमें सबको एक होकर के संगठित होकर के वोटिंग करनी है। इस तरह की चर्चा मैंने वहां सुनी थी। तो मैंने पहले भी आपके शो में ये कहा था TV9 पर, और ये बात सच है कि नारा इफेक्टिव तो है, दोनों को फायदा पहुंचा रहा है। तो अब देखते हैं इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या आएगा, और जो भी अखिलेश यादव जी ने नारा दिया वो तो यकीनन बहुत पॉजिटिव नारा है और उसका इम्पैक्ट भी पॉजिटिव आ रहा है, और लोगों को समझ में आ रहा है कि कोई व्यक्ति जोड़ने की राजनीति की बात कर रहा है, ना कि कटने की या बांटने की राजनीति के काम कर रहा है।